दोस्तों आज मैं लाऊँ आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है। और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोज़ की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषक भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए भी लंदन पहुंचते हैं जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है जिसमें परिणामस्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण
लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझाने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर कुर्मी संदित के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन ख़त्म हो जाता है और फिर से वह एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में हैं। कहानी कमांडो गण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए भी लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणामस्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है, और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावनों को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है।
एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है, यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका। करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मल्लिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मल्लिका ने अबीर को बचाया जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदित के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो गरण के इर्द गिर्द घूमती है जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषक भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़ी के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है।
बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदित के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्यु जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ मैं बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक
की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि दो भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्द ही संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में दो संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊंगा आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद विरोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण
मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कई लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह टोकरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जाँच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है, और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुचित रूप से हवाई अड्डे तक ले जाया जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वह एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊंगा आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोज़ की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है।
हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडोकरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद विरोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है, आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है, और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को पीने का पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वह एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है,
लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो ग्रहण के इर्द गिर्द घूमती है जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 सितंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन व्यावसायिक रूप से ज़्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोस्ट देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है जबकि करण और मल्लिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मल्लिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मल्लिका को द्वारा हमला किया जाता है जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मल्लिका ने अबीर को बचाया जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित
शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर कुर्मी संदित के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वह एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ मैं बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज़्यादा सफल नहीं रही इसके बजट के कारण। मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए भी लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणामस्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है, आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है, और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पाता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है।
जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मल्लिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मल्लिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुंचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझाने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदित के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन ख़त्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही इसके बजट के कारण। मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह टोकरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़ी के रूप में पोज देते हुए भी लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस में संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा।
करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में दो संदिग्धों का एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पाता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जाया जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझाने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही इसके बजट के कारण। मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह टोकरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोस्ट देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां
एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि दो भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणामस्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में दो संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पाता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जाया जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावनों को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन ख़त्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही इसके बजट के कारण।
मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कई लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह टोकरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जाँच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है, और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पाता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावनों को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्यु जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी Commando 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। Commando 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है।
हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो गरण के इर्द गिर्द घूमती है जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है जबकि करण और मल्लिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मल्लिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मल्लिका को द्वारा हमला किया जाता है जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मल्लिका ने अबीर को बचाया जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुंचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है
लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊँ आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सिक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको, अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 सितंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है, आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है, और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पाता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित
शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। भूराग द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर कुर्मी संदित के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वह एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद विरोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 सितंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है, आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है, और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जाया जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मल्लिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मल्लिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है।
जिसके कारण उसे और भानु को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मल्लिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मल्लिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदित के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन ख़त्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 सितंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही इसके बजट के कारण। मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा।
करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का डीएनए एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में दो संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को पीने का पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जाया जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वह एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6
अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की माँ और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस में संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि दो भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणामस्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का डीएनए एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में दो संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मल्लिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मल्लिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मल्लिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मल्लिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिराधर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण
मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कई लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह टोकरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जाँच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़ी के रूप में पोज देते हुए भी लंदन पहुँचते हैं, जहाँ एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस में संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पाता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित करके रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझाने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है।
हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो गण के इर्द गिर्द घूमती है जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषक भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही इसके बजट के कारण। मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए भी लंदन पहुंचते हैं जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों का एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पाता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं और
हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो गरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषक भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए भी लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है, और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों का एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पाता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है करता है, जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए
कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर कुर्मी संदीप के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है, और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषक भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है, और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में 2 संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है।
जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदित के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वह एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्यु जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊं आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में एक आतंकवाद रोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है, जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है, जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि 2 भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है। आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा।
करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में दो संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों आज मैं लाऊंगा आपके लिए एक फिर से नई मूवी कमांडो 3। जी हाँ, ये कमांडो की थर्ड सीक्वेंस है, थर्ड पार्ट है और इसमें भी हमारे विद्युत जामवाल जी और अदा शर्मा ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आइए मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या और क्या क्या इस मूवी के अंदर होता है और कितने की फिल्म के बजट हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। उससे पहले आपको अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आइए बताते हैं आपको। कमांडो 3 आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय फिल्म है। हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मतलब कमांडो और कमांडो 2 के बाद यह फिल्म कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ इसमें विद्युत जामवाल के साथ साथ गुलशन देवैया, अदा शर्मा और अंगिरा धर के साथ विरोधी के रूप में है। कहानी कमांडो करण के इर्द गिर्द घूमती है जो लंदन में एक आतंकवाद विरोधी मिशन के लिए मुठभेड़ विशेषज्ञ भावना रेड्डी के साथ गुप्त रूप से जाता है। फिल्मांकन सितंबर 2018 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड और यॉर्क सिटी में शुरू हुआ। फिल्म को पहले सितंबर 19 में रिलीज करने की योजना थी, आखिरकार इसे 29 सितंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कमांडो फिल्म श्रृंखला की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बजट के कारण मुंबई पुलिस बल ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर करण सिंह डोगरा को पुलिस की मदद करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन संदिग्धों में से एक ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चलता है कि संदिग्धों को पैसा मिला था और VHS टेप में एक आतंकवादी का संदेश था। साथ ही संदिग्धों में से एक बार 9/11 के बारे में बात करता है जिसे दीपावली के दिन भारत पर हमले के रूप में डिकोड किया जाता है। करण को यह भी पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वास्तव में लंदन के एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी और वह भावना रेड्डी के साथ अंडरकवर जाने का फैसला करता है जिसने उसे अपने पिछले मिशन में सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में पोज देते हुए वे लंदन पहुंचते हैं जहां
एक MI6 अधिकारी मल्लिका सूद उन्हें अपने कार्य केंद्र पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर नाम का एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर ब्रिटिश आतंकवादी बुराक अंसारी अपने बेटे अबीर को एक आदमी को मारते हुए देखने के लिए मजबूर करता है। अबीर की मां और बुराक की पूर्व पत्नी जाहिरा पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक से उन्हें खतरा है। यह जानने के बाद कि दो भारतीय एजेंट उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है, जबकि करण और उनकी टीम बुराक के एजेंटों का पीछा करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरती है। एक संदिग्ध का पीछा करते हुए करण जाहिरा और अबीर से मिलता है और जल्दी संदिग्ध के साथ बाइक का पीछा करने के लिए शामिल हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बात की आकस्मिक मौत हो जाती है। करण अपना फोन निकालता है और बुराक की कॉल का जवाब देता है, आगे उसे बताता है कि वह जल्द ही मृत संदिग्ध के घर का दौरा करेगा। करण और उसकी टीम घर पहुंचती है, लेकिन बाहर बुराक के गुंडे रोक देते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप करण एक विस्फोट से घर से बाहर निकल जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है और करण का समर्थन करते हुए भावना का ट्वीट भी वायरल हो जाता है। यह करण की योजना का एक हिस्सा होने का पता चलता है और जब वो अपनी पहचान बताए बिना बुराक को चुनौती देने वाला एक वीडियो जारी करता है। जब बुराक का DNA एक हत्या के संदिग्ध से मेल खाता है, तो करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह पहले से ही निकल चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह अबीर को स्कूल लेने गया होगा, करण आता है और उसके साथ गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। वापस मुंबई में दो संदिग्धों को एक इमाम द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पाता है। जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है जब अबीर और जाहिरा को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे तक ले जा रहा है, तो बुराक के गुर्गे वाहनों पर हमला करते हैं, जहां दुर्घटना में भावना की मौत हो जाती है, जबकि करण और मलिका गुर्गों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर की अपहरण कर लिया जाता है और मलिका को बुराक के आत्मसमर्पण के बारे में बताया जाता है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर बल का प्रयोग करके समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे और भावना को 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ना या निर्वासन का सामना करने का आदेश देता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता के बदले में पिछले हमले का सबूत प्रदान करता है। एक सुरक्षित घर के रास्ते में बुराक अधिकारियों को एक मस्जिद में रुकने के लिए कहता है, जहां वह अपने एक गुर्गों के साथ जगह बदलता है और जाहिरा को मार डालता है। यह महसूस करते हुए कि हम दीपावली पर नहीं बल्कि दशहरे पर होगा धमाका, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम में शामिल हो जाता है। अबीर की गोली के माध्यम से सुरक्षित घर का पता लगाया जाता है और भावना को मलिका को द्वारा हमला किया जाता है, जबकि करण बुराक का पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। लड़ाई के बाद जिसमें सभी गुर्गों पर मर जाते हैं, करण बुराक को इंजेक्शन लगाता है और उसे ले जाता है। भावना और मलिका ने अबीर को बचाया, जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत के मालवाहक जहाज तक पहुँचाया गया। हमलों के लिए कम से कम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने की कोशिश करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोली जाने वाली डिकोडिंग करण लक्षित शहरों को ढूंढता है और भारत के मुसलमानों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करती है। मुसलमान आतंकवादियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पुलिस उनके साथ जुड़ जाती है और आतंकवादी गिरफ्तार हो जाते हैं। करण बुराक को मार देता है और अबीर को संदिग्ध के पिता को सौंप देता है। इसके बाद वो अपने इसके उसको मारने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाता है और फिर से वो एक नए मिशन पे जाने की शुरुआत करते हैं। इसमें अदा शर्मा और विद्युत जामवाल ने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, और हालांकि बजट की वजह से यह फिल्म उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन फिर भी यह अपनी तीनों फिल्मों में से सबसे ही अच्छी फिल्म रही है, सबसे ही अच्छी इन्होंने नाम कमाए हैं।